हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सुहानी कहाँ है? तो सुहानी हर व्लॉग में झाड़ू लगाते हुए आती है। आई डोंट नो इसको कितना ज़्यादा ऑब्सेशन है सफाई से, पर नहीं, ऑब्वियसली सुबह तो घर की सफाई तो होती है, बट फिर भी ये पूरा दिन ही झाड़ू लगाती है, कॉलेज जाने से पहले, कॉलेज से आने के बाद। अगर एक बाल भी नीचे दिखता है तो ये सिर्फ झाड़ू लगाती है। गाइज, सर्दियाँ हैं, ऐसी सर्दियाँ आती हैं तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने की क्रेव करती हूँ, वो है स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है विथ चॉकलेट। सुहानी खाती है स्ट्रॉबेरी विथ चॉकलेट, बट मैं हमेशा स्ट्रॉबेरी शेक पीती हूँ। बट क्योंकि मेरा मीठा अभी पूरा बंद है तो मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पिया नहीं था, पर मैंने सोचा था एक बार तो मैं पीऊँगी, तो मैंने सुहानी से स्ट्रॉबेरी मंगाई है। बट कुछ बनाने से पहले मैं पहले उसका क्लीन टेस्ट करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कैसे। कुछ इसमें डालो और फेंक जाओ बाहर। ये हमारी, ये आ गई है हमारी स्ट्रॉबेरीज। वैसे हम हमेशा सॉल्ट यूज करते थे, सॉल्ट में पानी मिक्स करके सब्जियां गला के रखते हैं थोड़ी देर, फिर निकालते हैं। बट आज हम विनेगर यूज करने वाले, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस में हम लोगों ने देखा, तो आज हम लोग ये ट्राई करने जा रहे हैं। कैसी स्ट्रॉबेरी लेकर आई हो? एक एक निकलवा के तो लाती नहीं, मैं खोल के तो देखती। खोल के ऊपर उसने ऐसे ऐसे कर रखी थी तो वो तो अच्छी दिखेगी ना। चलो ठीक है, किसमें निकालो इसे? कांच के बोल में निकालो। विनेगर तो निकालो। गाइस मैं इसमें अंडा फोड़ने वाली हूँ। मैं जब बचपन जो पहले ही था, पहले विनेगर डालो ना ना, जब मैं बचपन में ही थी ना तो मैं हर चीज को ऐसे कंबाइन करती थी और फिर एक्टिंग करती थी कि मैं अंडा फोड़ रही हूँ, फिर ऐसे डालती थी। हाँ सीरियसली, ये मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे एक फोड़ना बहुत पसंद था, लेकिन मैं खाती हूँ नहीं तो कभी बचपन में नहीं करती। रुको एक सेकेंड, इसे चेक करो कौन सी स्ट्रॉबेरी सही है कौन सी खराब। अरे तो सारी डालो, पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो सब उसे निकलना चाहिए। विनेगर कितना डालो? एक स्पून डालो। हमें पहले इसको धोना चाहिए था, क्योंकि पत्तियाँ हट जाती है। धोने से पत्ते नहीं हटती, काटने से पत्तियाँ हटती है। अरे ये जो तैर के आ रही है, चलो इसे छोड़ दो बस। गाइस मिलते हैं 10 मिनट। गाइस 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इनको निकाल रहे हैं बाहर। आई होप एवरीथिंग इज परफेक्ट। हे भगवान, इतना मत शेक करो, पानी हिल जाएगा। कितनी सारी गंदगी निकली, इसको एक बार और धो देना। हाँ, वैसे अपन को ना इसका ये ग्रीन ग्रीन पत्तियां हटा के करना चाहिए था। OMG क्या है इसमें, ये पूरा गंदा निकला। मतलब ये नॉर्मल वाटर में अगर हम धोएंगे तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। एक सेकंड। अरे नहीं, मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि वो विनेगर की स्मेल थी। उसमें विनेगर है सुहानी? हाँ। वैसे तो हम लोग इसको नॉर्मल वाटर से धोते हैं, मतलब सॉल्ट डाल के धोते हैं, लेकिन कभी ऐसी मतलब इतनी डस्ट और इतनी गंदगी नहीं निकली, और विनेगर डालने से एक्चुअली में पूरा ये क्लीन हो चुका है। हाँ, पर कीड़े एक भी नहीं निकले। मे बी इसमें कीड़े ना हो सकता, लेकिन कीड़े होते तो डेफिनेटली निकलते। सुहानी कैसी स्ट्रॉबेरी लेकर आई हो? हमारे घर की सब्जियां लेकर आती है। पहले मैं स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करती थी सब्जियां, पर मेरा एक्सपीरियंस इतना बेकार रहा है इंस्टामार्ट का, बहुत ही ज्यादा गंदा। तब से मैं बोलेंगे सुहानी प्लीज सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आया करो। दीदी स्विगी पे इतनी कंप्लेन करने लगी थी कि स्विगी वालों ने ही दीदी को कोई वाउचर दे दिया। हाँ, इतनी कंप्लेन करी थी कि उन्होंने फिर मुझे वाउचर दिया कि मैं अगर नेक्स्ट कुछ ऑर्डर करूंगी तो मुझे ऑफ मिलेगा। ये पानी पी लो ना दीदी, तुम पियो ना। 10 मिनट में मैंने पूरे मतलब माहौल क्रिएट करा है, बिकॉज हम जा रहे हैं मूवी देखने, जो की है एवरेस्ट।
अच्छा दीदी वो चक्की आई थी ये करने के लिए बट मैं कैप्चर नहीं कर पाई। एवरेस्ट मूवी देखने जा रही हूँ। अभी हम लोग मूवी देख के फ्री हुए हैं एंड अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि हम लोग को जाना है मार्केट। मार्केट इसलिए जाना है क्योंकि कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मुझे फैब्रिक बाय करने हैं एंड सुहानी का भी बर्थडे है तो बर्थडे के लिए सुहानी ड्रेस स्टिच करवाएगी, उसके लिए भी फैब्रिक लेना है। वैसे जनरली मैं रेडी फैब्रिक पे वर्क नहीं करती बट अगर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और कुछ डिज़ाइंस होती हैं जिनमें हमें यूज़ करना पड़ता है तो वो फुलफ़िल करना तो मेरी ड्यूटी है ही, तो वो करना है। फैब्रिक शॉपिंग करना वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इतने सुंदर सुंदर इतने वैराइटीज़ के फैब्रिक देखने मिलते हैं ना तो मेरा दिमाग घूमता है कि ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये करवा लूँगी, वो करवा लूँगी। लेकिन मैं लेने जाती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि नहीं यार, मैं अगर ले रही हूँ तो इट्स बेटर मैं अपना ही हैंड एम्ब्रॉयडरी करवा लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर अपना ही खुद का डाई करवा के कुछ बनवा लेती हूँ। तो जाएंगे आज, देखेंगे, अगर मुझे कुछ मेरे लिए समझ में आएगा तो मैं डेफिनेटली अपने लिए खरीदने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा माइंड सेट अपने लिए भी करके जा रही हूँ कि यार आज कुछ अपने लिए भी ले लेती हूँ। तो चलो देखती हूँ क्या होता है वहाँ पे जाके। गाइज मैं बोलूंगी, नहीं मैंने आपको बताया था ना बर्थडे की ड्रेस लेने जा रही है, मतलब फैब्रिक लेने जा रही है, तो इसको ये था कि वो ये बताएगी पर मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया क्योंकि तो ये फिर से आपको बताएगी उसी एक्साइटमेंट से, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है कि मुझे किसी मतलब चाहे मेरे ही दोस्त क्यों ना हो लेकिन दीदी पहले जाके सबको मेरी भी चीजें बता देती है, अपनी तो बता ही देती है साथ में मेरी भी बता देती है कि मेरी एक्साइटमेंट की ही ऐसी तैसी हो जाती है। सो जैसा कि दीदी ने बताया कि हम मेरे बर्थडे की मतलब मेरे साथ साथ दीदी परफ्यूम में नहाना नहीं है उससे ठीक है हाँ, तो मैं मतलब हम मेरे प्लस सलोनी दीदी के लिए ड्रेस लेने जा रहे हैं मेरे बर्थडे की। मेरा श्योर नहीं, मेरे बर्थडे तुम्हारा श्योर नहीं है हाँ, क्योंकि मुझे अभी क्लाइंट्स के भी फैब्रिक लेने हैं ना। अच्छा तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन बर्थडे पे क्या करने वाले हैं ये अभी तक नहीं पता, लेकिन ड्रेस प्रिपेयर कर रहे हैं, सब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स सी गाइस, ये जो मैं बहुत देर से अपने हाथ में ली हूँ ये वो परफ्यूम है जो हम लोग को 2 साल बाद मिला है ना। हाँ, क्योंकि ये हम लोग 2019 में यूज करते थे और इसको सुन के सारे फ्लैशबैक याद आते थे, अब जाके हमें मिला है। कौन सा है ये? यार्डले का है। इसमें 5 रुपए क्यों लिखा है? गधी हो गया, 5 रुपए का नहीं है। अच्छा एंड गाइस ये पता शॉप्स पे भी नहीं मिल रहा था और ये नायका पे भी आउट ऑफ स्टॉक था, शॉप्स पे भी नहीं मिल रहा था और ये ऑलमोस्ट नायका पे भी वो था आउट ऑफ स्टॉक। जैसी आया मैंने वैसी ऑर्डर करा क्योंकि मैं बाकी सामान रोक रखा था नायका का जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम लोगों को ना ये बिल्कुल चाहिए ही था, 2 साल से हम लोग देख रहे थे पर हमें मिल नहीं रहा था, ये फाइनली मिल गया। गाइज आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। कौन सा है दिखा दो एक बार। यार्डले का ऑटम ब्लू। ऑटम ब्लू डेली वेयर परफ्यूम। यस डेली वेयर। ओके गाइज मैंने 10 घंटे लगाए अपने बाल बनाने में, फाइनली मैं हाफ पोनी पे आई हूँ। मम्मी लग रही हूँ चश्मा लगा के। मम्मी तो मम्मी नहीं हुए। अरे तुम्हारे बाल अभी ऐसे हो रहे हैं। गाइज एज यूजुअल हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं। सानी समझ गए आज तुमने, मेरे बाल फाइनली अब जाके इतने बढ़ गए तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ बिकॉज ये कितने एक 3 लॉकडाउन में मैंने इतने करवाए थे, इस लॉकडाउन के टाइम के आ रहा हूँ। मुझे इतने करवाने थे, पता इतने करें, मुझे इतने और करो तो अभी दोबारा कटवा लें, दोबारा कटवाऊंगी मैं बाल, अरे इतने कर दो ठीक है। इस हमारी बड़ी बहन जी इतनी जिम्मेदार हैं कि मैडम ने अपना कार्ड होल्डर गिरा दिया था जिसमें इनके सारे कार्ड्स थे। मैं बहुत गंदा डर गई थी में। सिक्योरिटी वाले भी मजे ले रहे थे, उन्होंने दिया नहीं जब ढूंढने लगे ना तो उन्होंने दिया, वालों ने उठा लिया, वरना मैं टेंशन में आ गई थी कि कहाँ होगा मेरा कार्ड होल्डर। ये है हमारी माँ, ये रखती है हमारा ख्याल।
अल्लाह पकड़ लेते। ये सब एक साथ रखो, ये वाला पर्पल, ये वाला और एक ये वाला। फैब्रिक इसको चाहिए है, वो भी शॉप वालों ने घुसा के अंदर रख रखा है। पसंद है कितनी बड़ी है। नॉट ग्रे, टेक एनी ब्राइट कलर। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है कलर, अच्छा लगेगा ये वाला कलर। डोंट टेक ब्लैक, वी ऑलवेज टेक ब्लैक। इतने सारे कलर ऑप्शन है पर इस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा। वी ऑलवेज एंड अप टेकिंग पिंक। क्या देख रही हो? अपने लिए प्रिंटेड जो कि लेना नहीं था पर तब भी ले रही है। पर मैं हमेशा प्रिंटेड फैब्रिक देखती हूँ और हमेशा डाई ही करवा के बनवाते हैं। देखती हूँ अगर इस बार मुझे पसंद आता है तो मैं लेती हूँ, वरना मैं डाई ही करवाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, जॉर्जेट में और प्रिंटेड हो जी। कलर बहुत अच्छा लगा। एट द एंड आ गई अपने फैब्रिक पे। नहीं तो मेरे पास तो फैब्रिक रखा है, मैं डाई करवाऊंगी। तो भाई तुम्हें बोल रही हूँ कलर्स देख लिया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज मैं जाऊँगी प्रिंटेड लेकर आऊँगी, बट मैं हमेशा यही होता है कि नहीं यार नहीं लेना, छोड़ो मैं अपना ही बना लेती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। हमने फैब्रिक ले लिया है बहुत सारे स्ट्रगल के बाद। नहीं मेरा अभी एक और फैब्रिक रह गया क्लाइंट का, तो मैं दूसरी शॉप पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया। मुझे तुम्हारे से क्या, मैंने मेरा ले लिया। मेरे से नहीं सॉरी, क्लाइंट हमारे भगवान होते हैं। ओ राइट, ये तो मेरा ही सेंटेंस था। हाँ बट स्टिल मेरा हो गया है, ठीक है ना, हो गया। ये निकाल दो एक, ये क्या है? ये भी अच्छी लग रही है। सब हम निकल रहे हैं। क्या हुआ? गर्म है। अच्छा डाइट डाइट गाइस, हम लोग सामान लेने में इतना बिजी हो गए थे कि व्लॉग लेने ही भूल गए। उस बीच में हम लोग ने क्या क्या ले लिया, बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ खरीदा। हम लोग सब अभी जब जा रहे हैं कि व्लॉग लेना है, ये क्या बहुत सारे बैग हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं बिकॉज काफ़ी थक चुके हैं। गाइज हम ऑलमोस्ट अपनी घर के नीचे आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम, बहुत ज़्यादा। और 10 बज चुका सोचो है, हम लोग को सोचो ऐसी कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए। हाँ हम लोग को ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हैं खड़े खड़े, नहीं 4 से भी ज्यादा। वो मैडम 10 बजने वाला है। हाँ तो 4 घंटे नहीं हुए, 6 बजे निकले थे। 6 बजे निकले थे, हाँ 5:30 पे निकले थे सॉरी। तो 4:30 घंटे हो, 4:30 घंटे हो। उसके पहले मैं क्लास गई थी वो अलग। हाँ तुम तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया। नहीं मैंने काम किया था बहुत सारा। क्या? देन ड्रेस के ऑर्डर ले रही थी, 2 घंटे मेरे कॉल पे गए। हम लोग घर पे आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। मी एंड माय बेड एंड आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं और ये इस साल का आखिरी व्लॉग है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एंड न्यू ईयर पे। सो टिल देन प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो अस इंस्टाग्राम विच इज़ मनोमय कुट्योर, जिसकी जगह खाली है, एंड मनोमय मी कुट्योर। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।